रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सब बहन भाई कैसे, अल्लाह के फजल करे हम सब भी ठीक है। तो अभी हम लोग गए हुए थे बाजार में हांडी लेने के लिए, बच्चों को मैंने अकेडमी छोड़ा है, ठीक है। और मैंने कहा था वापसी में खाना बनाने के लिए कुछ ले लूँ। खाने में आज हमने घिया लिया है और साथ में चिकन है, और साथ में अदन मैडम खा रही है कुल्फी। और लाहौर का मौसम इतना खूबसूरत हुआ हुआ, इतना प्यारा हुआ हुआ, माशाल्लाह ठंडी हवाएं चल रही हैं, लग रहा है दिसंबर आ गया है। क्योंकि दिसंबर के मौसम है ना, यहाँ का मौसम ऐसा होता है, इतना हरियाली, इतनी खूबसूरत भी मैं आपको बता नहीं सकती है। देखिए माशाल्लाह ऐसे हर तरफ हरियाली हरियाली है माशाल्लाह। अदन खा रही है कुल्फी। अदन अस्सलाम वालेकुम बोलो। धान भी हमारे साथ है ना, आप तो अस्सलाम वालेकुम बोलो ना। अदन खा रही थी कुल्फी। तो ये देखें, ये हमारे एरिया का, मुझे अपना एरिया इतना पसंद है, इतना पसंद है। अभी हम लोग घर देख रहे हैं लेकिन हमें घर बिल्कुल नहीं पसंद आ रहे, मिले भी नहीं। और फिर हमने इन लोगों के लिए इनसे टाइम ले लिया कि हमें ना 25 तक टाइम दे दें। तो अभी हम लोग बस, आज मैंने और वलीद और अमी ने UPS लेने जाना है, क्योंकि हमारा UPS ख़राब हो गया था, तो अब हमने नया UPS लेने जा रहे हैं। तो अभी वलीद अकेडमी से आएगा 5 बजे, तो फिर हम लोग UPS लेने जाएंगे। तो अदन कुल्फी खा रही हो, अदन हाँ। कैसी है कुल्फी? मीठी कुल्फी है, कितने मज़ेदार है ना। अदन हवा आ रही है, अदन उड़ना जाना तुम, अच्छा है। जैसे कल पैंपर पकड़ते वक्त उड़ गई थी। आपके चूजे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? सुपरमैन खेल रहे हैं। वो तो उड़ जाएंगे सुपरमैन बन के सारे, फिर क्या करोगे? ऐसे ही खेलते रहते हैं। तो सुपरमैन को नीचे नहीं उतारना, सुपरमैन बन के उड़ जाएंगे तुम्हारे चूजे। वलीद भैया को देखा है, अदनी काफू भी खड़ा है। ये बच्चे इससे इतना डरते हैं, ये हमारी कॉलोनी का एक बेचारा आदमी है, गरीब आदमी, बड़ा अच्छा है, काम जो भी इस कॉलोनी में कहते ना तो फौरन कर देता। तो फिर जो जिस हिसाब से पैसे बेचारे को दे देते हैं, गरीब बंदा है, अकेला ही है, छोटा सा एक घर है, रेंट पे कमरा लिया वहाँ पे, वो भी कोई बेचारा तरस आके रेंट दे देता है, बड़ा अच्छा ये बंदा ना। तभी हम लोग पहुँच गए घर, तो फिर अभी हम जाएंगे ऊपर, ऊपर फिर हमने खाना बना के ना हम लोग फिर वलीद उन लोगों को ट्यूशन से 5 बजे लेने पिक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे गुलबर्ग मार्केट में UPS लेने के लिए, ठीक है। चलो अब आओ ऊपर। चूजे, चूचे नहीं चूजे आए थे हमारे घर। तो ये मुर्गा है, ये मुगली है, अदन ये क्या है, ये? और ये दो मुर्गियां। अदन ये कौन है पता है मुझे, जब पूरा पूरा नीचे ये क्या, अदन ये क्या है, मुगली। क्या है मुगली, और वो घी, ये भी मुगली। हाँ। ये भी मुगला, मुगला भी खा, मुगला अदन मुगले को पकड़ो। ये अदन बुरहान भाई के हाथ में क्या है, मुगला क्या है, दो मुगली। ओए मुगली, इसको आवाज सुन नहीं रही आपकी आवाज दो इसको। ये इसका कलर, अच्छा, इसका कलर क्या है, इसका पिंक है, और उसका ब्लैक, ठीक है। व्यूवर्स कह रहे हैं हमें दे दो मुगला और मुगली। ये क्या कर रही हो, जबरदस्ती नहीं पानी पिलाते, जुहान क्या कर रहे हैं लोग, और इसके हाथ कुछ होता ही छोड़ देना। बाबू इसको पकड़ो, जुहान जुहान ही पकड़ो यार, वो पानी पी रहे हैं, देख उसको पानी पीते को दरकारी। अदन तेरे मुगला मुगली मर जाएंगे, फिर क्या करेगी, फिर रोती फिरेगी जैसे पिजन को बिल्ली ले गई थी। अदन उनको आराम करने दो, उनके वो देखो जुहान कह रहा है उनको उनके घर में बंद कर दो, आप जुहान बंद करने दो। गंदे लग गया ये देख। तो अभी हम लेने आए यहाँ से UPS, ये है हफीज सेंटर में, हम लोग यहाँ शॉप है, यहाँ से UPS लेने आए हैं। तो UPS हमें पसंद आ गया, अभी हम लोग ले,
हाँ सारा इनपुट है, ये आउटपुट है और बाकी ये प्लस माइनस बैटरी ऊपर लग जाएगा। तो ये बैटरी पे लग जाएगा, ये इसके अगर टर्मिनल लगते हैं वो उधर। हाँ जी, अच्छा अलहदा से लगते हैं। सही, यूपीएस ले लिया। तो खुश हो, नया यूपीएस आ गया। अब शुक्र आप जो बार बार हमारी लाइट आ रही थी उसका मसला नहीं होता। तो पार्किंग कितनी डेंजरस है, कोई आ गया तो फिर ये देखिए कितनी डेंजरस पार्किंग। और इतने हम प्लाजे के नीचे ना, हाँ मैं आपको बता नहीं सकती। और पुलिस साहब कह रहे हैं गाड़ी मैं ले आता घुमा के, तो यहाँ से निकाल लूँगी, मैं निकाल लेती हूँ। हाँ मैं यहाँ से गाड़ी ऊपर लेके जानी, मैं अभी लिख देती हूँ। कैसे ऊपर गाड़ी दरवाजे के साथ, ये देखिए अभी बिस्मिल्लाह रास्ता। हाँ बंद करो, की बंद करो। ये बड़ा टर्न जो था बड़ा गंदा था ना, जरा तुम चढ़ के आए थे ना, जो मोटरसाइकिल चीकां निकलियां पड़ियां सी। हाँ जी, अब हम बाहर निकल गए हैं। ये लो पीछे से एक और गाड़ी है, फिर एक और हम गए। बड़ी मैंने नहीं, नहीं स्पीड में आती है, मेरा दरवाजा खुला, मैं क्या दरवाजा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे यूपीएस फिट कर ली। देखो माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी चार्ज हो रहा है अल्लाह पाक का शुक्र। बैटरी के साथ हमने अटैच कर दी है। वलीद से मैंने कहा था वलीद आप कर दो, वलीद ने टर्न भी ये देखो लगा दी है माशाल्लाह। देखिए अच्छे तरीके से फिक्स करके बिठा दिए। और यहाँ यूपीएस अभी बैटरी भी चार्ज हो रही है, लेकिन मुझे इसकी सेटिंग का नहीं पता है। मैं चार्ज थी, मैं किसी ने इसकी सेटिंग का पूछ लेती कि इसकी सेटिंग के बारे में किसको पता होगा कि इसकी क्या सेटिंग है यूपीएस की ना, क्योंकि पहले जो था ना उसका हमें पता चल जाता था कि फ्यूज़ हो रहा है और नहीं हो रहा, तो उसकी सेटिंग ईजी थी। तो अभी हमने यहाँ पर लगा दी लाइट हमारी, अब जाएगी तो पता चलेगा। अभी हम उतरे हैं नीचे, अब वलीद साहब ने अपनी मकैन की लगानी है ऊपर। ऊपर इसने हालांकि टर्मिनल फिट किया, मैंने कहा मैं देख लूँ, अब सफाई कर रहा सारी साइडों से ना कि डस्ट वगैरह अंदर ना जाए उसके यूपीएस के। अब आ जाओ नीचे, नहीं बैठते चल आ जाओ नीचे, गिरने जाना। तो मामा ने खाना बना लिया है, रोटियाँ बना लिया, मैंने तो अभी हम लोग खाना खाने लगे हैं। हाँ जी पापा कहते हैं ना वो जाना है पूजा अंदर से चिकन निकाल दो। कौन सा चिकन? तो वहां से मैंने उठवा के ना, मैंने कहा वहां यूपीएस वगैरह वॉशिंग मशीन है तो तुम अपने पीछे ना यहाँ पे सीढ़ियों के नीचे रख लो। तो ये इसकी कबूतर है, वो वैसे ही उतार के अंदर तीले फेंक दो, खुद ही बना लेंगे। तो फेंक दो तीले, फेंक दो तीले, अंडा नहीं ना दिए अंडे कब नहीं दिखे, तो मोटे मोटे मच्छर इनके पास, मच्छरों का सीधे लगा बहुत ज्यादा मोटे मच्छर है। तो चले जी आज के लोग एंड करते हैं, अगर हमारा भी लोग अच्छा लगा तो प्लीज दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियों दूर करे, आप सबको अपने हिफाजत में रखे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और हमारे चैनल को ज्यादा ज्यादा वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं।